अरे आज से तू इसने आपनो ही घर समझ, जो थारो ही घर है। चलो बढ़िया ही हुए कि भिरनी के घर आने की जो धान बिखेरने की रस्म होवे ना, वो कम से कम पूरी होगी। आ जा चल। अठी ने बैठ जा। इमली बीननी जा, आरती की थाली लेकर आ। घर में बीननी आई है तो रीति रिवाज के सारे शगुन पूरे करूंगी। और ध्यान रहे, चांदी को सिक्को भी लेकर आए। जी बाबा। मेरा पैसों का बैग। अबो अबो बाबा साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या हुए जा? थारे को थारी भाबो पर भरोसा ना रहा, जो दुकान का काम का छोड़कर घर पहुंच गए पंचायती करने के लिए? जा, थारो काम कर। सूरज, मैंने और थारी भाबो ने ये निर्णय लिया है कि प्रेमा अठे इस घर में रहेगी। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ इस फैसले में ना हूँ। बाबू, मीनाक्षी जैसे भी है, इस घर परिवार की बहू है, विक्रम की बींदनी है, इसी अधिकार से इस घर में रह रही है। फिर ये प्रेमा क्यों बाबू? तलाक के कागजात फाड़ देने सो, या अपने पर मिट्टी का तेल घेर करके नौटंकी करने से ना कोई रिश्ता ना जुड़े छोरा। अगर मीना जिद कर बैठी है ना कि मैं दस्तखत ना करूंगी, तो भले ही ना करे, बैठी रहे घर के किसी कोने में। ना जे घर इसका है और ना ही मारो छोरो। समझ में नहीं आ रहा इस ड्रामे को कैसे रोकूं, खुल के कुछ कह भी तो नहीं सकती। बाबू, इसे अपनी बहू बनाने से पहले इसके देगाने के पति को भूल गई कि? अरे ये किसी की पत्नी होते हुए दूसरे की पत्नी कैसे बन सके हैं? के सही के गलत हमें ना सिखा बिंदनी। प्रेमा ने तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए हैं और वकील देगा ना जाके उस आदमी के भी दस्तखत करवा के ले आएगा। बाबू, आरती की थाली ले। हाँ बाबू, बाबू तू ऐसा नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ अपनी माँ को, मेरी माँ जिसने आज तक धर्म न्याय रिश्ते नाते सबको हमेशा ऊपर रखा, वो आज ऐसे कैसे कर सकती है? ना बाबू, तू इस गलत काम में विक्रम और बाबा साहब का साथ कैसे दे सकती है? बाबू, कम से कम हमारी भावनाओं की कदर तो कर, पूरा घर मीनाक्षी के साथ है। मैं ना बदली हूँ छोरा, थारी नजरा बदली है। ते तुम सब एक माँ के कालजे में झांक कर ना देख सको, मैं मारे छोरे ने तिल तिल मरतवा ना देख सको। अरे मारे लिए सबसे बढ़कर मारे घर परिवार की खुशी है। मैं पहले भी न्याय करती थी, आज भी न्याय करती आई हूँ। वाह, कहावत है ना कि कभी कभी घाव ठीक करने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़े। मैं काल भी रिश्ता जोड़ रही थी, आज भी रिश्ता जोड़ रही हूँ। अब
लक्ष्मण, बीरिनी को सामान ना कमरा में रख दे। जरा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ा। नाना, लक्ष्मण लेकर जाए। रुक लक्ष्मण, बस बाबू बहुत हो गया। अगर आप इस औरत को हमारे सर पे जबरदस्ती मड़ोगी ना, हमारी आंखों के सामने इस घर में रखोगी, तो मैं भी चुप ना बैठूंगी। बिल्कुल ना सहूंगी और मैं ये सामान को जला दूंगी। मेरा पैसों का थैला, कहीं ये पागल मीना उसे कुछ कर ना दे, मेरी पूरी पोल खुल जाएगी। तू बनेगी मारी सौतन, बन के दिखा, तू बन के दिखा, सारा सामान जला दूंगी मैं सारा। रुक मीना जी मैं कह रही हूँ ना, ऐसा मत कीजिए। दीजिए, क्या हो रहा है? छोड़ उसको, छोड़। मीना जी हमारा सामान मारे को दे दीजिए। अच्छा, चुप करना टंकी बस। मैं तारा सामान छीन रही हूँ तो तुझे इतना बुरा लग रहा है? तुम मेरा पति, मेरा घर, मेरी जिंदगी सब छीन रही है। मुझे कितना बुरा लग रहा होगा, सोचा है तूने कभी? सोचा है? ये सारा सामान मैं जला दूंगी, छोड़ इसको, छोड़। रुक मीना, मेरा घर गया, अपने समझ दे मुझे। रे मीना, मैं ना छोड़ूंगी, मैं ना छोड़ूंगी बाबा। अब जैसा सामान ना मैं हमारी अलमारी में रखूं, देखो किसकी हिम्मत पड़े हमारी अलमारी से निकालने की। बाबू वो दीजिए, मैं इसे रख देती हूँ। ना, तू को नहीं जाने इस लुकाई में, जो कोई भी काउंट करे बिना ना मन ही को नहीं। देखूं मैं कि हमारी अलमारी में से कहीं निकाले। ऑपरेशन ग्रहण का सारा पैसा इसी बैग में है, मुझे कैसे भी करके ये बैग निकालना ही होगा। रेमा, विक्रम में ना तड़के वाली दाल बहुत पसंद आवे, पर तड़का में अगर मिर्ची और कड़ी पत्ता आ जावे ना मुंह में, तो थाली सरका दे। और प्रेमा जी, रोटी में जब तक 3-4 चम्मच घी ना हो ना, तब छोटे जेजी के गले से रोटी उतरती ही नहीं है। मुझे किसी भी तरह ये चाबी लेनी होगी, इस बुढ़िया की अलमारी में मेरे पैसों का बैग ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। धनिया सोच रही थी दाल के ऊपर डाल दो। बिल्कुल सही सोचा तूने प्रेमा, विक्रम ने ना धनिया बहुत पसंद है। ये प्रेमा को ज्यादा ही घुल मिल रही है राठी परिवार से, ये हमारे ऑपरेशन के लिए ठीक नहीं है। मुझे सिखा रही थी, खुद क्या कर रही है यहाँ? नमस्ते अंकल जी। हेलो मिची। अरे सर, तो परी है ना, है ना? बैठा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। कोई काम था क्या तने? हाँ आंटी जी, सूरज जी वो दुकान पर नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहे, तो सोचा मैं आपसे आके पूछ लूं। आपको जरूर पता होगा, नहीं कोई काम से गए होगा। आ तो ही होगा।
अच्छा बाबू दीजिए दीजिए मैं छान देती हूँ। ना ना प्रेमा तो रहने दे। बाबू दीजिए ना विक्रम जी क्या कहेंगे कि सास काम कर रही है और बहू बस चुपचाप उन्हें देख रही है। बहू क्या बात है ये प्रेमा तो किसी और ही लेवल का खेल खेल रही है। दीजिए ना मैं कर देती हूँ। अरे आंटी जी करने दीजिए ना अच्छी बहू के सारे गुण हैं इनमें देखकर ही लगता है कि अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती होंगी। ले कर ध्यान से बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। ताने मारना बंद करो और अपना काम करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना और मैं करूंगी भी। दिख रहा है तुम क्या कर रही हो? क्या कल हथियारों की डील होनी है वैसे तैयार रखना। हे भगवान हथियारों की डील कल है पैसे वाला बैग अब मुझे जल्द से जल्द भाभू की अलमारी से निकालना होगा। रुक आ रही हूं। क्या हुआ क्या सोच रही हो ऐसे महफूज जगह हैं? आज तारे बात बढ़ाती हूँ संतोष ये परी ने भी चुट्टी बना दी। तो कल 10 बजे की मीटिंग तय हुई है हथियारों के सौदे के लिए। मुझे किसी भी हाल में आज रात को ही पैसों का बैग यहां से निकालना होगा। अब आंटी जी मैं सूरजी का शॉप में इंतजार करती हूँ ठीक है बड़ी बाय मिश्री बाय परी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।